कॉलेज फर्स्ट ईयर में अमेरिका को पहली बार मिला था 2017 में। फर्स्ट डे हम लोग ने एक दूसरे को बस देखा था, उसके बाद धीरे धीरे बात शुरू हुई थी, उसके बाद फिर बेस्ट फ्रेंड बने, उसके बाद फिर समथिंग स्टार्टेड मूविंग और रिलेशनशिप में आ गए फर्स्ट ईयर में ही। ये हम लोग कॉलेज से वापस आ रहे थे, इसको मैंने नई नई कार चलाना सिखाया था और ये कार चला रही थी, और कार में बैठे बैठे इसने मुझे प्रपोज किया था, और मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता जैसे मैं बैठी थी नहीं हाँ, पर इसने मुझे पहली बार आई थिंक 2018 के मई में पहली बार इसने मेरे को प्रपोज किया था फर्स्ट ईयर के एंडिंग के पास। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर। पर हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं ये सबका ध्यान रखती है, कभी भी कोई भी अकेला हो, चाहे ये उसको जानती हो ना जानती हो, कुछ भी हो, ये उसके उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और उसको अच्छा फील करा के मानेगी। मैं भी हाफ एंड हाफ हाफ ही हूँ मैं तेरे बिना, मेरा बेटर हाफ है, तू वो कंप्लीट करता है, ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से मेरे को कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं है। जब तक सबसे मैं डाउन में रहती हूँ तो ये एक रहता है जो हमेशा मेरे साथ होता है, भले आस पास हो या दूर हो, हमेशा ये मेरे साथ होता है, कभी कमी खलती नहीं है इसकी। लंबी चौड़ी बात तो बहुत समय से चल रही है, हम लोग ने आपस में एक दूसरे में बहुत डिसाइड कर लिया था अराउंड पिछले साल कि शादी तो करनी है। ऑफिशियल प्रपोजल बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने अभी किया लास्ट सैटरडे, उसकी मेरे पास फोटोज वगैरह हैं, टोटली सरप्राइज। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं, मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं, तेरे नाल प्रीता लाईया ओ, तेरे नाल प्रीता लाईया, वे माही तेनू खबर नहीं तेरे नाल। मैं काफी टाइम से हिंट दे रही थी पहले पहले, मतलब जनवरी फरवरी तक मैं बहुत हिंट दे रही थी कब प्रपोज करेगा कब प्रपोज करेगा, अब जब सब कुछ इतना ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगा, तब अरेंजमेंट होने लगे, तब मेरे दिमाग सब कुछ उड़ गया था, तब एकदम आउट ऑफ द ब्लू ही मेरे को प्रपोज किया। आज के लिए बहुत एक्साइटमेंट था, स्पीडिंग बेसिकली खुशी भी थी पर नर्वसनेस भी थी कि कुछ गलत ना हो जाए, प्लस बटरफ्लाई भी थी कि फाइनली वो चीज़ जो हम लोग कितने सालों से सोच रहे हैं कि वो फाइनली सब ट्रू हो रही है, जब मेरे को खुद पे ही लगता कि मैं ये कर पाऊँगी ये नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे को बिलीव करता है। मेरी खता है कि तुझे पता नहीं।